सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं विशाल सोनी एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है सोनी जी पामिस्ट करके। अगर आपको हस्तरेखा से संबंधित वीडियोस पसंद आती तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उसका भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राशिफल 2020 की, कि 2020 में किन राशि वालों के लिए 2020 का यह वर्ष है वह अच्छा रहने वाला है, किन राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, किन राशि वालों के लिए अच्छी सूचनाएं लेकर आने वाला है, अच्छी सौगात लेकर आने वाला है, किन राशि वालों के लिए बुरी सौगात लेकर आने वाला है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ ही। आप सभी दर्शकों को 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए हमेशा उत्तरोत्तर तरक्की वाला हो और आपके जीवन में हमेशा तरक्की बनी रहे, धन संपदा सुखी जीवन आप हमेशा प्राप्त करते रहे, श्रीनाथ जी बाबा की कृपा से आप सभी के दुख खत्म हो जाए और आपके सुखों में वृद्धि हो जाए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारे राशिफल 2020 की सबसे पहली वीडियो। कर्क राशिफल 2020 के अनुसार कहा जा सकता है कि यह वर्ष आपके लिए वैसा ही रहेगा जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं, यानी इस वर्ष में सफलता का दारोमदार सिर्फ आप पर है। जैसी मेहनत आप करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। 2020 का वार्षिक राशिफल आपके लिए संकेत कर रहा है कि इस साल भाग्य के भरोसे न बैठे और कर्म करने में विश्वास रखे। वर्ष की शुरुआत में कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, जो की शुरुआती समय में आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा चिंतित कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहे, इस वर्ष में आपको प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने व अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दरअसल आपकी राशि से छठे स्थान में बुध, गुरु, सूर्य, शनि और केतु के एक साथ विराजमान होने से आपको नए नए अवसर मिलने के संकेत हैं। बुध और शनि वर्ष कुंडली में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। यदि पिछले कुछ समय में आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला है तो इस समय भाग्य के आपके सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। खेल जगत, सिनेमा से जुड़े जातकों को इस समय विदेश की यात्राओं से और विदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर अच्छी सफलताएं मिल सकती है। कुछ कर दिखाने का मौका आपके लिए यही है। आईटी, इंजीनियरिंग, मीडिया, एक्टिंग, पॉलिटिक्स आदि क्षेत्रों में यदि आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो मंगल का स्वराशि का होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। 24 जनवरी के बाद शनि का परिवर्तन होने के करियर के मामले में कुछ परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, जो कि आपके लिए सफलतादायक भी हो सकते हैं। शनि वर्ष पत्रिका में आपकी राशि के शश योग बना रहे हैं। स्थिर व्यापार के लिए शनि का परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आने वाला रहेगा। शनि का सप्तम भाव में स्वराशिगत होना अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग भी बना रहा है, लेकिन मांगलिक कार्यों में थोड़ी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। 30 मार्च को बृहस्पति का मकर राशि में आना, जो कि आपकी राशि से भाग्य स्थान के स्वामी भी है, अचानक से किसी मांगलिक कार्य के योग बना रहा है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य, नई नई योजनाएं शुरू होने वाली होगी। मकर राशि में शनि पहले से मौजूद है, जिनकी उपस्थिति से गुरु और शनि की युति आपके लिए निजभंग राजयोग बना रही है। ग्रहों के इस संयोग से हो सकता है शुरुआत में आपको अधिक परिश्रम करना पड़े, लेकिन इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिलने के आसार है। 11 मई को शनि का वक्री होना आपके मांगलिक कार्य में व्यापार में अड़चने पैदा कर सकता है, हो सके तो इन कार्यों को कुछ समय के लिए रोक कर चले। 14 मई को गुरु के वक्र होने से इसका प्रभाव आपके लाभ स्थान पर होने से लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि अपने उच्च राशि पर होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर होने के आसार बनेंगे। पराक्रम में दृष्टि पड़ने से भी पराक्रम और छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलना शुरू। 30 जून को बृहस्पति धनु राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा ध्यान रखने के योग बना रहे हैं। इस दौरान आपको पेट संबंधी गैस आदि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वजन बढ़ने की चिंता भी आपको इस समय सता सकती है। कुल मिलाकर पर्सनली थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता आपको इस समय में रहेगी। आपके लिए परिस्थितियों में बदलाव की सुख बुगाहट सितंबर महीने में देखने को मिल सकती है। 13 सितंबर को गुरु के मार्गी होने से स्वास्थ्य के साथ साथ करियर, लव, फाइनेंस, हर तरह से समय आपके अनुकूल रहने के आसार हैं। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। 23 सितंबर को राहु आपकी राशि से 11वें स्थान में वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि आपकी राशि से लाभ का स्थान बनता है। लाभ स्थान में राहु के आने से आपको कार्य क्षेत्र में धन के मामले में यात्राओं
में लाभ व सफलता मिलने के प्रबल संभावना के योग है। 29 सितंबर को शनि के मार्गी होने के पश्चात आप अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहना सकते हैं। यहां से आपके लिए करियर में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। कामकाज में तेजी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। 20 नवंबर को गुरु पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, जिससे आपके लिए मांगलिक कार्य व स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भाग्य में उन्नति के आसार भी नजर आ रहे हैं। जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2020 आपके लिए इस वर्ष काफी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जैसी करनी वैसी बनी, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। और आपका भाग्य भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, कर्म के भरोसे बैठे, मेहनत के भरोसे बैठे, तो ये साल आपके लिए अच्छा गुजरने वाला होगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।